Hello everyone, how are you? I hope you are good there. So I am back with another dance tutorial video, chapter 4. And in this video, we are going to learn a choreography, a new song choreography named Everybody from Black Street Boys. और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेलिब्रेशन सॉन्ग अच्छे से सीखा होगा. अगर नहीं सीखा तो यार प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लो. और हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आज के वीडियो पे. तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं. मैं हूँ आकाश बाबा, योर वेस्टर्न डांस टीचर. तो सबसे पहले हम लोगों का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सेकेंड टर्नआउट पोजिशन में खड़े होंगे और हम लोगों को क्या करना है, अपने लेग को ट्विस्ट करना है. हाउ मेनी टाइम्स? फोर टाइम्स. सो वी गो 1, 2, 3, 4. और कौन से साइड का लेंगे? ये लेफ्ट साइड का. सो 5, 6, 7 को वी गो 1, 2, 3, 4. और ऑपोजिट हैंड की एल्बो को आउटसाइड हिट करना है. अब हम लोग ये दोनों एक साथ ट्राई करते हैं. सो 5, 6, 7 को वी गो 1, 2, 3, 4. नाउ डू द सेम विद राइट लेग एंड लेफ्ट हैंड. 5, 6, 7, 8. और हमको ये सेट जो है वो 4 टाइम्स कंटिन्यू करना है. सो लेट्स डू इट. 5, 6, 7 गो. वी गो 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है, हमें हमारे राइट वाले लेग को प्लेस करना है और लेफ्ट को टुगेदर. देन सेम विद लेफ्ट टुगेदर. और हैंड कैसे जाएगा? क्लिक डाउन, क्लिक अप, क्लिक डाउन, क्लिक अप. और ये सेम हम लोगों को 16 काउंट पर डांस करना है. सो कैसे? 5, 6, 7 को भी गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 and 8 equals to 16. तो इस तरीके से हम लोगों को ये 16 बीट्स काउंट करना है. तो अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा उसको एक बार विदाउट म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं. देन वी विल डू इट ऑन म्यूजिक. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग. सो 5, 6, 7 गो. वी गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Let's try this on music. ओके, वेरी गुड एवरीवन. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बोथ हैंड्स को ऊपर लेकर आना है और बोथ लेग्स को वाइड ओपन रखना है और एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है ऑन 4 काउंट. सो 5, 6, 7 को वी गो 1, 2, 3, 4 एंड देन लेग्स टुगेदर और हैंड शोल्डर लेवल पे. और उसके बाद हमें 4 छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं. 5, 6, 7, 8. Let's do it all together. 5, 6, 7, go. We go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then repeat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. तो यानी हमें इस स्टेप को भी 3 टाइम्स करना है. ओके एवरीवन, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे आखिरी स्टेप की तरफ, यानी कि इस पार्ट के लास्ट स्टेप की तरफ. हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो ये स्टेप सीखा था, इसी स्टेप को हमें दोबारा करना है इस सर्कल वाले स्टेप के बाद. हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उसे म्यूजिक पे ट्राई करेंगे. सो लेट्स डू इट. 5, 6, 7 गो. वी गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Let's try this on music.
वेल डन एवरीवन, आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और अगर नहीं की है, कुछ चीजें छूट गई हैं, तो इस वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि खूब सारी प्रैक्टिस करो, वीडियो बनाओ, मुझे भेजो, मम्मी पापा को दिखाओ, रिव्यूज लो, और हम लोग इसके आगे की क्रियोग्राफी करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जब तक इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, टिल देन यू जस्ट कीप डांसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।